नमस्कार किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर और आप देख रहे हैं एके किसान न्यूज चैनल। किसान भाइयों, आज मैं एक ऐसे गांव में आया हूं जहां के एक जागरूक फार्मर है जो वेर की खेती करते हैं और अच्छा खासा उत्पादन वेर की खेती लेकर लेते हैं। तो आज मैं उन्हीं से मिलवाता हूं, डिस्ट्रिक्ट बदायूं में आया हुआ हूँ, एक जागरूक फार्मर है, उनसे मिलवाता हूँ। सर जी, आप अपना इंट्रोडक्शन, हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं जगह जगह से देख रहे हैं, और जो रोहित कुमार सिंह, गांव मेरा हैदलपुर पड़ता है, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश से हूँ। और बेर की खेती के बारे में मैंने पिछली वर्ष ही काफ़ी नेट के माध्यम से खोजबीन की थी, तो पता चला कि एप्पल बेर की खेती एक वर्ष में जो है फल दे जाती है। उसी को खोजते खोजते मैंने एक नर्सरी पड़ती है पश्चिम बंगाल हावड़ा जगह है, वहाँ के पास एक गाँव है, वहाँ से एक नर्सरी है, वहाँ से मैंने पौधे के लिए बातचीत की। तो ये पौधे के लिए फिर मैंने फरवरी में उनको ऑर्डर किया था, फरवरी में ये पौध मंगाई थी मैंने, और एक मार्च को ये पौधा रोपण मैंने आलू खोदने के बाद अपना जी, जिसमें मैंने ये पौध लगा दी थी जी। जी सर, और इस पौध का जो है फरवरी मार्च में लगाना ही उचित रहता है, क्योंकि मौसम मार्च, उस समय मौसम भी अच्छा रहता जी, है जी जी, और पौधा जो है अगर आप लकड़ी भी लगा देंगे तो लकड़ी भी चलने लगेगी, तो उस समय सारे पौधे ठीक ठाक चलते रहे। बीच में कुछ पौधे जो आपने पौधा लगाते हैं उसकी, जो हमारे जो किसान भाई है जो इसकी दूरी से दूरी, पौधे से पौधे की दूरी क्या रखते हैं, पौधे पौधे क्या क्या फर्टिलाइजर डालते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। पौधे से पौधे की दूरी अरविंद जी 10 फीट रखते हैं जी, जी, और रो से रो की जो दूरी है जी जी जी, रो से रो की जो दूरी है, आप ये देख रहे हैं सुविधा के हिसाब से, आप ये जो देख रहे हैं रो से रो की दूरी, क्योंकि मैं इसमें इंटरक्रॉपिंग भी लेता हूँ। मैंने जब ये पौधे इसके बेर के लगाए थे जी, तो मैंने इसमें साथ में इसके खरबूज लगाया था जी जी, तो खरबूजा जो है वो रो से रो हमने 11 फीट रखी थी ठीक ठीक ठीक, और पेड़ से पेड़ 10 फीट, तो इसमें खरबूजा लगाया हमने जी, बढ़िया फसल खरबूजे की भी हुई, लगभग एक एकड़ में 50,000 रुपए का खरबूजा भी हमने इसमें तैयार किया, और बहुत बढ़िया खरबूजा निकला जी जी, मंडी में जाते ही इंटरक्रॉपिंग भी करके आपने अच्छा खासा उत्पादन लिया। उसके बाद हमने इसमें अपना उड़द बो दिया था, साठा उड़द हमारे यहाँ बोलते हैं जी जी जी, तो साठा उड़द बो दिया, लगभग एक एकड़ में हमारा 4 क्विंटल जी जी उड़द भी हमने इसमें उत्पादन कर लिया। और अब इस समय लहसुन का टाइम है जी, तो हम इसमें लहसुन की रोपाई करा रहे हैं जी जी, तो ये यहाँ जो आप देख रहे हैं ना ये रोपण, ये इसमें इस तरीके से जी जी ये लहसुन डलवा दिया है, अब इसमें बीच में नाली में हम पानी छोड़वा देंगे जी जी, तो इस तरीके से इसमें इंटरक्रॉपिंग हो जाएगी लहसुन की भी। इस हिसाब से आप यह इसके बेर की खेती के साथ आपने 4 इंटरक्रॉपिंग आपने ली, ठीक है, पहली इंटरक्रॉपिंग इन्होंने जो है खरबूजे के लिए, दूसरी इंटरक्रॉपिंग इन्होंने उड़द के लिए, और तीसरी जो इंटरक्रॉपिंग लगभग आपको लहसुन की लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ आपने लहसुन की लिया, लहसुन के बाद आप जो इनका मेन जो वो है इनका बेर की खेती, ये बेर भी देख रहे हो आप, ये बेर बेर देख रहे हैं, इनका बहुत अच्छा खासा बेर खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, सारे चारों लंग देख सकते हैं आप, इनका बहुत अच्छा खासा उत्पादन लेने में, और ये जनवरी में बेर जो है ये पक जाएगा, ये लाल वाला जो बेर होता है ना, रेड एप्पल बेर, रेड एप्पल बोल जिसको बोलते हैं, वो ये बेर। ये सर इसकी मार्केटिंग कहाँ करते हैं, कैसे क्या इसकी मार्केटिंग, देखिए ये पहली साल ही हमने लगाया है जी जी, पहली साल आपने मार्केटिंग इसका अभी नहीं पता, एक साल तक तो हम इसका खाली वो करते रहे, अध्ययन करते रहे, कैसे कैसे कहाँ से पौध मिलेगी, होगा या नहीं होगा हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे आसपास कहीं हमारी तहसील में हमें नहीं लगता कि ये कहीं पे है जी जी, सादा वाला बेर तो है, एप्पल बेर कहीं नहीं है, एप्पल बेर किया है, हाँ तो ये एप्पल बेर किया है ठीक है ठीक। और हमारे जो मार्केटिंग के लिए मंडी, बरेली मंडी है हमारे यहाँ से 60-70 किलोमीटर पड़ती है, वहाँ भेज दो, हमारे यहाँ से मिर्च बहुत जाती है मंडी जी, उसी में चला जाएगा जी जी, और दूसरे आगरा मंडी पड़ती है सर। अगर हमारे अदर किसान भाई अगर आपसे इस जो एप्पल बेर आपने जो लगाया है उसके बारे में अगर जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं उनको आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताइएगा सर, और कैसे आपसे संपर्क करें, किस समय करें वो आप। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 90-27-15-78-27 90-27-15-78-27। अगर किसी किसान भाई को बेर की खेती के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर फोन करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार और बोलो। पौध वगैरह कहाँ से मिलेगी वो भी हम उनको सब पूरी जानकारी बता देंगे, और इसका लगाने का बेर का सबसे बढ़िया समय फरवरी, 15 फरवरी के बाद, और मार्च के अधिक से अधिक पहले सप्ते में लग जाना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप मैंने जो जागरूक फार्मर हैं हैदरपुर गांव के और डिस्ट्रिक्ट बदायूं हैं, इन्होंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है,
और अगर आप यहाँ वेर की खेती, एपिल वेर की खेती करना चाहते हैं तो हमारे जो जागरूक फार्मर है उनसे मिल सकते हैं। साथ ही साथ ये है आलू का जो अपना F1 वैरायटी का बीज है वो भी आप ये सेल करते हैं, उसकी वीडियो आपके अगली वीडियो में आपको उसको अवेलेबल में करवाऊंगा। तो किसान भाइयों नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।